सेना के जवान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घटना फरीदाबाद के नीमका गांव के पास साई कॉलोनी की है। आत्महत्या करने के सही कारण अभी तक पता नहीं लग पाए हैं, लेकिन परिजन शराब न मिलने की वजह से आत्महत्या करने का कारण बता रहे हैं। यह फौजी छत्तीसगढ़ में तैनात था तथा 13 जनवरी को ही छुट्टी लेकर घर पर आया था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भिजवा दिया है तथा पुलिस आत्महत्या के सही कारणों को पता लगाने में जुटी है। बिलक बिलक कर रो रही है महिला सोनम है, जो अपने फौजी पति सैयद हिदायतुल्ला को मौत पर बेहद परेशान है। मूल रूप से गुजरात का रहने वाला सैयद हिदायतुल्ला इन दिनों छत्तीसगढ़ में तैनात था तथा उसकी दूसरी शादी फरीदाबाद में रहने वाली सोनम के साथ हुई थी। हिदायतुल्ला की पहली पत्नी और बच्चे गुजरात में ही रहते थे। करीब 4 साल पहले जब हिदायतुल्ला की पोस्टिंग दिल्ली में थी तो उसने फरीदाबाद में रहने वाली सोनम से निगाह कर लिया। अभी 13 जनवरी को हिदायतुल्ला फौज से कुछ दिन की छुट्टी लेकर आया था। कल दोपहर को परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि हिदायतुल्ला ने घर के अंदर कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक के बेटे अभिषेक की माने तो छुट्टी से आने के बाद उसके पिता मानसिक रूप से कुछ परेशान चल रहे थे। छुट्टी से आने के बाद उनके पिता शराब ज्यादा पीने लगे थे। कल दोपहर 3:30 बजे उसे सूचना मिली कि उसके पिता ने आत्महत्या कर ली है। अभिषेक ने बताया कि उसे नहीं पता आत्महत्या करने की वजह क्या है। वहीं बिलक बिलक कर रो रही हिदायतुल्ला की पत्नी सोनम की माने तो उसका पति कल शराब के लिए कह रहा था। शराब ना देने पर हिदायतुल्ला ने उसे घर से बाहर जाने को कहा। वह घर से बाहर चली गई, लेकिन कुछ देर में उसे चिल्लाने की आवाज आई तो वह डर गई और उसने पड़ोसियों की मदद से कमरा खुलवाया। सोनम की माने तो शराब के लिए उसका पति झगड़ा कर रहा था। वहीं पुलिस की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि नीमका गांव के साई कॉलोनी में रहने वाला फौजी हिदायतुल्ला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा कर गुजरात में रहने वाले उसके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या करने के सही कारणों का पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन उसके परिजन शराब न मिलने की वजह से आत्महत्या करना बता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद इस मामले में कुछ कहा जा सकेगा। सर मैं पूछती रह गई, क्या बात है? नहीं, मेरे दारू दे तो, मुझे दारू चाहिए। मैंने सारी दारू छुपा रखी थी। गणेश ने बोला कि तुम अब की बार आया हो, कुछ सोच के आया हो। मैं कुछ सोच के आया? मैंने नहीं नोट किया, क्या सोच के आया हूँ? मैंने नहीं जान दिया। आरबीसी, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में थे? क्या थे इंडियन आर्मी में? एनसीसी क्वार्टर मास्टर। एनसीसी क्वार्टर मास्टर। तो छुट्टी पे आए थे, कब आए थे आपके फादर? सर 13 तारीख। 13 तारीख को आए थे। तो ये अपना फांसी लगाई उन्होंने कब लगाई? ये सर दोपहर में 3 बजे। कल दोपहर 3 बजे की बात है। आप और आपकी मम्मी कहाँ थी उस समय? सर मैं कहीं गया हुआ था सर, और मम्मी घर पे थी नहीं। जी, सैयद हिदायतुल्ला नाम है इसका, और गुजरात से थे। यहाँ ये साई कॉलोनी नीमका में रह रहे थे, और ये छत्तीसगढ़ इंडियन आर्मी में थे। इंडियन आर्मी में थे। तो बड़ा पेच सा फंस रहा, समझ में नहीं आ रहा सच क्या है। आप जांच कर रहे हैं मामले की, क्योंकि बीवी कुछ अलग बोलती है, बेटा कुछ अलग बोलता है, समझ में नहीं आ रहा क्या लग रहा है आपको, किस लिए आत्महत्या करी है इसने? अभी तो जो तथ्य सामने आए ये है कि इन्होंने कुछ शराब वगैरह पी रखी थी, शराब के नशे में, फिर छुट्टी आई 10-12 दिन से, तो उसी में सुसाइड हुआ है। बाकी जो स्पष्ट होगा कार्रवाई उसी पे की जाएगी। किसी तरह का कोई सुसाइड नोट भी मिला है पुलिस को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। मैंने कुछ चेकिंग किया वहाँ, उसी जेब में पैसे मिले थे 520 रुपये, जो मैंने उनके वाले साहब दिखा गए और डॉक्टर सामने वहीं तलाशी ली। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस अभी? पुलिस अभी गुजरात से उनके परिवार वाले भी आए हुए हैं, और उनसे सबसे शामिल करके जो भी कार्रवाई उचित होगी नियम अनुसार भी वही की जाएगी।